आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चूंकि अब हम लोग जैसे जैसे आगे के क्लासों में बढ़ते जा रहे हैं, तो हम प्रोग्रामिंग करने के बड़े नज़दीक आ रहे हैं। तो आज एक और स्टेप्स अपन कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस पे हम लोग कैसे जावा को इंस्टॉल करते हैं और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट है हमारा जावा वेरिएबल। कल याद हो आपको डेटा टाइप्स मैंने पढ़ाया था, उसके साथ बार बार एक वर्ड यूज हो रहा था वेरिएबल। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरिएबल इज ए कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू व्हाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। वेरिएबल क्या है? कंटेनर है, एक डब्बा है। कंटेनर में बता भी चुका हूं, जिसका काम है जब जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है या हो रहा हो, तो उसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल क्या है? एक प्रकार का है, कंटेनर है जो जावा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय वैल्यू को होल्ड करने, होल्ड मतलब रखने में, वैल्यू को होल्ड करने में सहायता प्रदान करता है। ए वेरिएबल इज असाइंड विथ ए डेटा टाइप्स। कल मैंने पढ़ाया था आपको लोगों को डेटा टाइप्स। तो जो भी वेरिएबल होगा वो उसको डेटा टाइप्स पहले लिखना पड़ेगा। बिना डेटा टाइप्स के, जैसे कल अगर याद हो आप लोगों को हमने पढ़ा था कि इंट इंट और कैर फ्लोट, तो ये हमारा क्या है? डेटा टाइप है। इस डेटा टाइप्स के साथ उसको एजेंट, और यहां पर हम क्या लिखते हैं? वेरिएबल का नेम। आगे अभी बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन मतलब गार्बेज वैल्यू जो होती है ना, वहां पे जो भी, जैसे मान लीजिए ये, तो ये ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया, तो इसमें जो स्टोर होगा उसका नेम है ए। ए वेरिएबल प्रोवाइड्स अस विथ नेम्ड स्टोरेज दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट्स। ईच वेरिएबल इन जावा हैज ए स्पेसिफिक टाइप, यही ना, स्पेसिफिक टाइप। प्रत्येक वेरिएबल का टाइप स्पेसिफिक अलग अलग, कैर भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है, और आपका फ्लोट भी हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकता है, ठीक है। विच डिटरमाइन द साइज एंड लेआउट ऑफ वेरिएबल मेमोरी। कल मैंने बताया ना, इंटीजर कितना साइज लेता है, ठीक है, फ्लोट कितना साइज लेता है, डबल कितना साइज लेता है, करेक्टर कितना साइज लेता है, ये सभी का साइज, तो अपने साइज के हिसाब से मेमोरी में वेरिएबल को स्टोर करते हैं। द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड विद इन दैट मेमोरी एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द वेरिएबल। और वो क्या करते हैं? स्टोर होने के बाद जब हम उनको एक्सेस करते हैं, तो उनमें जो वैल्यू यूज की जाती है वो उसको क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। वेरिएबल इज नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। मतलब मेमोरी को के रिजर्व एरिया को एलोकेट करने के लिए हम वेरिएबल का नेम देते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये क्या है? मैंने पहले बताया, जैसे रैम, आर एम लिखा, राम लिखा, सॉरी, चलो राम पढ़ लो। तो ये क्या है? ये जो 10 स्टोर है ना, इसका मेमोरी एड्रेस है, ये इसका नाम है। तो दैट मीन्स इस वैल्यू कैन बी चेंज, और ये इसको वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ये रिजर्व एरिया होता है। क्या होता है? रिजर्व। ये राम के लिए क्या हो गया? रिजर्व एरिया हो गया, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो जावा में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, जावा क्या, किसी भी लैंग्वेज में जिसमें इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कल मैंने डेटा टाइप्स आपको दो प्रकार की लैंग्वेजें बताई थी, तो उनमें से
हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप देना पड़ता है। अगर डेटा टाइप हम नहीं देंगे तो हम उसको स्टोर नहीं करा सकते। इसके बाद वेरिएबल का नेम, और सबसे बड़ी बात यूनिक होना चाहिए नाम। क्या होना चाहिए आपका? यूनिक नेम। ठीक, तो अब देखें यहां पर सिंटैक्स देखिए आप, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। डेटा टाइप मतलब जो हमने कल पढ़े हैं, और वेरिएबल नेम जो भी हम देंगे। लेकिन वेरिएबल नेम क्या नहीं होना चाहिए? रिजर्व कीवर्ड नहीं होने चाहिए, जो मैंने आपको पढ़ाए उनके अलावा। एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए? इंट और कोई भी एक, यहां पर क्या अपन ने दे रखा है? काउंट दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इंट क्या हो गया यहां पर? टाइप। ठीक है, और काउंट क्या हो गया? वेरिएबल का नेम। ये वेरिएबल का नेम हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम जावा में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं या करते हैं। अब हम इसको वेरिएबल को वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं? तो जावा में वेरिएबल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले वो वेरिएबल नेम जो हमने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, और इसके बाद जब जो वेरिएबल नेम हमने डिक्लेयर कर रखा है तो उसमें कोई एक वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे देखिए आप, ये यहां पर मैंने काउंट, पिछले उसमें इंट काउंट लिखा था ना, या बार बार मुझे काउंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो काउंट इक्वल्स टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इसकी वैल्यू है 100। मैं यहां पे कुछ भी मान लीजिए मैं 50 देना चाहता हूं, लेकिन सेमी कॉलन से मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा। काउंट की जगह मान लीजिए मैंने नम लिया है वेरिएबल का नेम, तो नम इक्वल्स टू 10 भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे उसके पहले क्या करना पड़ेगा? इंट नम, ये करना पड़ेगा। और इसी को मैं सिंगल लाइन में भी कर सकता हूं। कैसे? इंट ए इक्वल्स टू 10, ये लीजिए, ये सिंगल लाइन में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कंटेनर नेम्ड काउंट, ये कंटेनर का जो नाम है, ये कंटेनर एक्चुअली, ये इसका नाम क्या है? काउंट। ठीक है, और क्या वैल्यू होल्ड कर रहा है? ये 100 होल्ड कर रहा है। ओके, तो इस तरह से हम इसको वेरिएबल को इनिशियलाइज आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अब वही जो मैंने कंबाइन एक साथ अभी पीछे उसमें बताया कि यू कैन कंबाइन वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकता हूं। ये आपका क्या है? डेटा टाइप है। ये आपका क्या है? वेरिएबल नेम है। और ये आपका क्या है? उसकी वैल्यू है। अगर आप चाहें तो, अब जो आप बार बार सोच सर फ्लोट इंटीगर, तो मैं यहां पर फ्लोट भी ले सकता हूं, लीजिए फ्लोट। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे पाई का मान करना है, तो पाई ये वेरिएबल नेम हो गया इक्वल्स टू 3.14। ये इंटीगर में पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं? सेमी कॉलन टर्मिनेट, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर है। तो और इंटीगर में अपन कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, तो फ्लोट पाई इक्वल्स टू 3.14। अभी जैसे मेरे को करेक्टर करना है, तो कैर सी एच मान लीजिए एक वेरिएबल है, इस तरह से कर सकते हैं। अब इसी को एक साथ करना है तो अपन क्या करेंगे? कैर सी एच इक्वल्स टू, यहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वैल्यू देना चाहेंगे ये, और सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हम किसी भी प्रकार की वैल्यू को एक साथ, मतलब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब
बेसिक सा है कि आखिरकार हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इसके लिए जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, आपने खूब सारा पढ़ा है, आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन खूब पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन आपने पढ़ा नहीं है। सी सी प्लस प्लस और जावा में, अभी जावा तो आप पढ़ ही रहे, मान लीजिए सी सी प्लस प्लस में आप वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा है। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, जावा में वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। जावा में कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, तीन प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक। कितने प्रकार के वेरिएबल होते हैं, तीन प्रकार के वेरिएबल होते हैं। पहला वेरिएबल लोकल, दूसरा इंस्टेंस, तीसरा स्टैटिक वेरिएबल। तो अब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल कौन कौन से, लोकल वेरिएबल क्या होता है एक्चुअल में? लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल कहलाते हैं जो, सॉरी ये टाइप से फिगर दिया हुआ है, आप फिगर देख सकते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, तो वो अपना टाइप से। तो लोकल वेरिएबल, ए वेरिएबल कैन, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। मतलब ऐसा वेरिएबल डिक्लेरेशन जो इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, मतलब किसी मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर किया जाए, इनसाइड का मतलब अंदर डिक्लेयर किया जाए, ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ा है ना, तो ऐसे करके एक मेथड बनाया होगा वाइड, मान लीजिए, और ये गेट डेटा, ठीक है। क्योंकि जावा में थोड़ी से मेथड बनाने का थोड़ी रूल दूसरा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे बताऊंगा। तो ये कैलिब्रेशन ओपन हुआ, और कैलिब्रेशन यहां पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहां जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, मान लीजिए इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसका स्कोप इस ब्रेसेस के बाद नहीं जाएगा, इसका स्कोप क्या नहीं होगा, इस ब्रेसेस के बाद, मतलब इसके बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इस ओपनिंग ब्रेसेस से लेके क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में इसको हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। You can use this variable only within the method and the other method is in the class are not even aware that the variable exists. मतलब इसका सिंपल सा कहना है कि तुम जो इस तरह के methods का यूज है ना, वो जिस method पे तुम declare करोगे, ठीक, जिस method में तुम declare करोगे उसी method में उसे यूज करोगे। मतलब opening braces से लेके क्लोजिंग कैलिब्रेशन के बीच तुम चाहो कि, सर ने कहा है कि नहीं मेथड पे डिक्लेयर कर, तो दूसरी मेथड, मान लो एक क्लास में एक गेट मेथड हो गई और दूसरी मेथड हो गई सेट मेथड, ठीक है। अब तुम्हारा इच्छा है कि सर ने तो बोला है कि इसको मेथड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है, तो दूसरी मेथड पे इसको नहीं डिक्लेयर, सॉरी नहीं एक्सेस किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर्स को, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण चीज है, लोकल वेरिएबल को कभी भी स्टैटिक नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, समझ रहे हैं आप, मतलब
जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करे लोकल, तो उसको स्टैटिक कीवर्ड के द्वारा स्टैटिक लोकल पे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। स्टैटिक क्या है, मैं आगे आपको बता रहा हूं, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। मतलब ऐसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया हो, किसके अंदर, क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया हो लेकिन मेन लेकिन मेथड से बाहर, जैसे ये मेथड वाइड गेट डेटा थी ना, ये देख पा रहे हैं आप लोग, तो इसके बाहर यहां पर कोई वेरिएबल इंट और बी करके मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ये है किसके अंदर, क्लास। अब चूंकि क्लास तुम लोगों ने बनाया होगा ना, तो क्लास ऐसे लिखते हैं, क्लास और डेमो, डेमो नाम की मान लीजिए मैंने एक तो क्लास बनाया, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रेसेस हो गया और ये क्लोजिंग ब्रेसेस, ये क्लास का भीतर का मटेरियल हो गया, यहीं पे मैं मेथड वगैरह सब यूज करता हूं। तो यहां पर जो वेरिएबल डिक्लेयर होगा लेकिन मेथड से पहले, ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं, आपका इंस्टेंस वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल के नाम से जानते हैं, ठीक। इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, और जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना वो स्टैटिक डिक्लेयर नहीं हो सकता, जैसे लोकल वेरिएबल नहीं डिक्लेयर हो सकता ना, उसी तरह से इस वेरिएबल को भी क्या नहीं कर सकते, आप स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, ओके। अब तो समझ में आया आप लोगों के क्या क्या अपन कर सकते हैं। अब तीसरा और आखिरी वेरिएबल, इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल बिकॉज इट्स वैल्यू इज इंस्टेंस स्पेसिफिक एंड इट इज नॉट शेयर्ड अमंग इंस्टेंसेस। मतलब इसका मतलब यह है कि इंस्टेंस वेरिएबल को इंस्टेंस की वैल्यू की तरह ही कॉल किया जा सकता, इसको सभी जगह शेयर्ड नहीं किया जा सकता, इस बात का विशेष ध्यान है। इसको मैं समझाना चाहूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक्चुअल में जब भी कोई क्लास वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वो क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल हो जाता है, इसी को हम लोग इंस्टेंस क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास वेरिएबल। तो इसको हम क्लास के अंदर ही, मतलब यहां पे लिखा मैंने क्लास, ये कह रहा है यहां पे क्लास डेमो, ठीक है, और ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, मान लीजिए क्लोजिंग कर्ली। अब यहां पर इंट एक्स इक्वल 10 हो गया, ठीक है। तो ये यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी, इसके अंदर चाहे जितनी मेथड हो जो सब जगह एक्सेस। अब मैं चाहूं इसके बाहर इसको एक्सेस कर लूं तो कह रहा है इसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब, ठीक है, बस समझ में। अब तीसरा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, ये अपने लाइफ टाइम या किसी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही बार डिक्लेयर किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और सबसे बड़ी बात है जब प्रोग्राम का शुरुआत होगा ना तभी इसको डिक्लेयर किया जाएगा। कैसे, ये इंट एक्स 10 लिखा हुआ है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है ना, इसके पहले मैं क्या लगा दूं, स्टैटिक कीवर्ड, ये लीजिए क्या स्टैटिक कीवर्ड है, ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस या क्लास वेरिएबल के पहले सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड यूज करने से ही वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। दीज वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड फर्स्ट बिफोर द इनिशियलाइजेशन ऑफ एनी इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब सबसे पहले, मतलब ना सबसे पहले इसको, इवन क्लास वेरिएबल के पहले ही भी इसी को क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, ताकि वो चूंकि एक ही बार डिक्लेयर होता है
तो कोई भी इसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करिए, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर होगा। एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो आपको मालूम है, इंट नम टू इक्वल्स टू 100, ये लोकल वेरिएबल है। कैसे लोकल वेरिएबल है जरा देखिए, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, कैसे इंस्टेंस वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसके पहले डिक्लेयर है, ये मेरी क्लास है, क्लास डेमो, ये सबसे पहले मैंने स्टैटिक वेरिएबल किया, num1 equals to 100, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया, int num equals to 50, ये मेरा क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल, तो क्लास के अंदर है ना, देखिए ये वाइड मेथड, एक मेथड हो गई, ठीक है, मेथड ये क्लोज हो गई, और ये इंड ऑफ द क्लास। तो इस तरह से मैं इसको कैसे कर सकता हूं। अब आप देखिए यहां पर, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये क्लास डेमो स्टैटिक इंट नम 100, ये स्टैटिक वेरिएबल है, इंट नम 50 इंस्टेंस वेरिएबल है, वाइड मेथड्स, एक मेथड स्टार्ट हुई है, इंट नम 200 ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, इन वेरिएबल्स को देख सकते हैं, बता सकते हैं, समझ सकते हैं, जो ये बेहतर तरीके से, और समझ, जब मैं इसके एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा तब आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब कुछ रूल हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, मैंने इस पर नहीं कि मैं आपको जस्ट एक्सप्रेशन बता दे रहा हूं, वेरिएबल नेम हमेशा लेटर या अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब इसको इस तरह से कह रहा है, लेटर कोई भी नाम लिख दो, या फिर क्या कर दो, अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर और नम, ये लीजिए, या मैं नम बस लिख दो, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक। वेरिएबल नेम अपर केस और लोअर केस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन अगर हमने वेरिएबल को अपर केस में लिखा है तो उसे प्रोग्राम में अपर केस में यूज करेंगे, यदि हमने लोअर केस में लिखा है तो प्रोग्राम में उसको लोअर केस में यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये जो नम लिखा है ना, अगर मैंने स्टाइलिस्ट एन कैपिटल कर दिया और यूएम, तो ये ऐसा नहीं हो, ये दोनों एक नहीं है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है, यानी यहां पर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, दूसरा रूल है। तीसरा रूल इसका, कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, मैंने पहले बताया था, जो कीवर्ड मैंने बताया था वो कीवर्ड और वेरिएबल नेम एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। और वेरिएबल नेम 31 करेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा तुम लिखते चले जाओ, ऐसा नहीं है, मैक्सिमम इसकी वैसे तो यार 2-4 से ज्यादा नहीं होता है, लेकिन अपन लोग अगर दिमाग लगाएं तो 31 करेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, वेरिएबल नेम के साथ कोई भी स्पेशल सिंबल, डॉलर, हैश, ठीक है, एस्ट्रिक, ये ऐसे कुछ भी, माइनस, प्लस, ये कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं किए जा सकते, ठीक है। और एक मेरी सलाह है एज ए प्रोग्रामर कि वेरिएबल का जो नेम हो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे दूसरे को समझने और समझाने में आसानी होती है। जैसे अब n लिख दिया, n का मतलब क्या है, a लिख दिया, a का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर है तो f नम कर दो, s स्टूडेंट है तो उसको stu कर दो, मीन्स ऐसा मीनिंगफुल वेरिएबल्स का नेम होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन प्रोग्रामिंग का कुछ स्टार्ट करेंगे पार्ट्स। तो आप लोगों से मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप लोग क्लास लेते हैं तो कम से कम मुझे इस बात का सेटिस्फेक्शन दें कि आप लोग क्लास अटेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।